हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनस एडिटिंग। तो आज की वीडियो में हम सीखेंगे ब्लड टेक्स इफेक्ट इन फोटोशॉप। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको फोटोशॉप ओपन कर लेना है, उसके बाद हमें एक पेज क्रिएट करना है। पेज हम इंचेस में क्रिएट करेंगे, विड्थ रखेंगे 5, हाइट रखेंगे 3 और रेजोल्यूशन रखेंगे 100 और यहाँ से आके क्रिएट कर देंगे। पेज क्रिएट करने के बाद हमें यहाँ पे एक टेक्स्ट टाइप करना है। और अपने टेक्स्ट को पेज के सेंटर में एडजस्ट कर लेना है। इसके बाद टेक्स्ट और बैकग्राउंड को आपस में मर्ज कर लेना है। सिंपल हम कीबोर्ड से कंट्रोल ई प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट और बैकग्राउंड आपस में मर्ज हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे इमेज एडजस्टमेंट और यहाँ से इन्वर्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे हम इन्वर्ट सेलेक्ट करेंगे तो हमारा टेक्स्ट होगा ब्लैक तो वो वाइट में कन्वर्ट हो जाएगा और हमारा बैकग्राउंड अगर वाइट है तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की है कंट्रोल आई। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल आई भी प्रेस करेंगे तो वो इन्वर्ट हो जाएगा। इसके बाद हम जाएंगे इमेज रोटेशन और 90% क्लॉकवाइज। इसके बाद हम एक इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे तो हम जाएंगे फिल्टर, पिक्सेलेट और क्रिस्टलाइज यहाँ सेलेक्ट करके सेल साइज 8 रखेंगे और ओके कर देंगे। इसके बाद एक और इफेक्ट सेलेक्ट करना है तो हम फिर जाएंगे फिल्टर, यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे स्टाइलाइज और विंड का मेथड हम विंडी रखेंगे और डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट रखेंगे। हमें ब्लड को नीचे आते हुए दिखाना है तो इसलिए हम डायरेक्शन फ्रॉम द लेफ्ट रखेंगे और ओके कर देंगे। विंड इफेक्ट हमें 3 बार अप्लाई करना है तो हम सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल ऑल्ट एफ को 3 बार प्रेस करेंगे। इसके बाद जाएंगे इमेज रोटेशन एंड 90% क्लॉकवाइज पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे कंट्रोल एफ और यहाँ पे लिखेंगे स्टैम्प। फिल्टर गैलरी सेलेक्ट करेंगे, स्टैम्प टूल यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। यहाँ हमसे पूछा जा रहा है लाइट डार्क बैलेंस और स्मूथनेस। लाइट डार्क बैलेंस को हम 6 रखेंगे और स्मूथनेस को 3 रखेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद मैजिक टूल सेलेक्ट करके टेक्स्ट को अपने सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट पे जाएंगे सिमिलर, फिर यहाँ से एडिट में जाके कॉपी और एडिट में फिर जाएंगे और यहाँ से कर देंगे इस बार पेस्ट। इसके बाद हमें फोरग्राउंड और बैकग्राउंड कलर चेंज करना है अपना, तो फोरग्राउंड कलर हम यहाँ से सेट कर लेते हैं और बैकग्राउंड कलर भी। इसके बाद फिर जाएंगे हम कंट्रोल एफ पे, कंट्रोल एफ करेंगे कीबोर्ड से और यहाँ पे लिखेंगे बस रिलीफ। फिल्टर गैलरी में जाएंगे, बस रिलीफ वाला इफेक्ट सेलेक्ट करेंगे। इधर हमें पूछा हुआ है डिटेल हम 13 रखेंगे, स्मूथनेस 4 और लाइट हम रखेंगे बॉटम और यहाँ से आके ओके कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे एफएक्स पे जाएंगे, इनर शेडो 14 रख के ओके कर देंगे। तो इस तरह हमारा ब्लड टैक्स इफेक्ट रेडी हो चुका है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को भूले बिना लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।